हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ब्रिक्स समिट की प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्षता की, कहा आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं पांचों देश। ब्रिक्स समिट में रूस के राष्ट्रपति का तालिबान पर बयान, कहा अफगानिस्तान के हालात पड़ोसी देशों के लिए चिंताजनक। वर्चुअल समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी देशों ने डिजिटल फोटो खिंचवाई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अपनी बात रखी। मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर में विकास के काम पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, एनएसए अजीत डोभाल और एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, निर्यातकों के बकाया 26,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव मंजूर। बाड़मेर में हाईवे पर हवाई पट्टी का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री गडकरी, एयरफोर्स चीफ भदौरिया और सीडीएस जनरल रावत मौजूद। रनवे पर सबसे पहले C-130J हरक्यूलिस विमान की लैंडिंग हुई, हरक्यूलिस से पहुंचे राजनाथ, गडकरी और एयरफोर्स चीफ भदौरिया। हवाई पट्टी पर सुखोई 30 MKI और जागुआर ने भी टचडाउन किया, किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी के संकेत दिए। बाड़मेर में हाईवे पर 19 महीने में बना 3 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप, पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा युद्ध के अलावा प्राकृतिक आपदा के समय भी काम आएगी हवाई पट्टी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 20 जगहों पर बना रही है इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स, रक्षा मंत्री ने बताया। जैसलमेर में 2204 स्क्वाड्रन को मिला मीडियम रेंज सर्फेस एयर डिफेंस सिस्टम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया। हरियाणा के करनाल में किसानों के धरना प्रदर्शन का तीसरा दिन, प्रशासन से किसानों की बातचीत फिर बेनतीजा। सर फोड़ देने वाले आदेश देने वाले SDM के निलंबन पर अड़े किसान, करनाल प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया। करनाल किसान आंदोलन पर बोले अनिल विज, आंदोलन करना किसानों का हक है, जायज मांगे ही मानी जाएंगी। अनिल विज ने कहा SDM समेत पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए तैयार हैं, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी करेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, कहा सरकार के तानाशाही रवैये पर चलेगा किसानों का ट्रैक्टर। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान, 12 रुपए बढ़ाए गए गन्ने के दाम, हरियाणा में गन्ने के सबसे ज्यादा दाम। जेपी दलाल बोले गन्ने के दाम बढ़ाने के लिए किसानों को मुख्यमंत्री खट्टर को मिठाई खिलानी चाहिए। कृषि मंत्री तोमर का बयान, साल 2022 तक किसानों की आमदनी दुगना करने के लिए किसानों के साथ मिलकर राज्य काम करें। शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है राम मंदिर का निर्माण कार्य, 2023 तक दर्शन कर सकेंगे राम भक्त। माँ वैष्णो देवी के दर पर राहुल गांधी, पुजारी ने राहुल गांधी को दी माता की चुनरी और प्रसाद। राज्यसभा की 7 सीटों पर 4 अक्टूबर को उपचुनाव होगा, बंगाल, असम, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, MP की 1 और तमिलनाडु की 2 सीटों पर उपचुनाव। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का बयान, 2022 विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ओवैसी ने यूपी सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया, कहा CAA विरोधी आंदोलन के दौरान मुसलमानों को गोलियां मारी। ओवैसी का कांग्रेस, सपा, बसपा पर आरोप, मुसलमानों पर जुर्म के खिलाफ इनके जबान पर लग जाता है ताला। ओवैसी ने कहा जब भारत में मुसलमानों को हक मिलेंगे तो बात होगी, कुर्सी पे हम बैठेंगे और वो खड़े रहेंगे। 5 दिन के यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, शुक्रवार और शनिवार को लखनऊ में मीटिंग। प्रियंका के यूपी दौरे पर यूपी BJP चीफ स्वतंत्र देव सिंह ने कसा तंज, बोले पिकनिक मनाने लखनऊ पधार रही हैं। स्वतंत्र देव सिंह पर कांग्रेस ने निशाना लगाया, कहा अजय सिंह विश्व की बेड़ियों में जकड़े परतंत्र देव जी अनाप शनाप ट्वीट करते हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान, भ्रम फैलाने वाले जान लें, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। 11 सितंबर से यूपी में बूथ विजय अभियान चलाएगी BJP, सभी बूथ केंद्रों के पदाधिकारी से बात करेंगे JP नड्डा। उत्तराखंड कांग्रेस चीफ गणेश गोदियाल का बयान, विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम अभी तय नहीं। गृहमंत्री अमित शाह से मिले शुभेंदु अधिकारी, बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बात की। केरल में सीरो मालाबार चर्च से जुड़े पादरी का बड़ा बयान, कहा राज्य में लव जिहाद और नारकोटिक्स जिहाद बढ़ रहा है। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामलों को लेकर बोले मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी, कहा लव जिहाद के खिलाफ लाएंगे सख्त कानून। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, ASI के सर्वे पर रोक। यूपी विधानसभा की वेबसाइट हैक, हैकर्स ने वेबसाइट हैक कर लिखा आपत्तिजनक संदेश। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले AMU से जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग, BJP कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को सौंपा पत्र। NCP नेता छगन भुजबल को बड़ी राहत, महाराष्ट्र की अदालत ने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन मामले में बरी किया। कोर्ट से बरी होने के बाद बोले भुजबल, कॉन्ट्रैक्टर को ना ही पैसे दिए गए और ना ही जमीन। NCP ने एंटीलिया केस में NIA की चार्जशीट पर सवाल उठाए, मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को बचाने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के मंत्री ने नवाब मलिक से पूछा, परमबीर सिंह से क्यों नहीं पूछताछ कर रही NIA। नवाब मलिक को BJP विधायक आशीष शेलार का जवाब, राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए चार्जशीट का इस्तेमाल। पुणे के कदम बावक्स्ती की महिला सरपंच से मिले देवेंद्र फडणवीस, NCP कार्यकर्ताओं ने की थी महिला सरपंच की पिटाई। गणेश प्रतिमाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन, मंडलों में स्थापित की जाएंगी 4 फीट की मूर्तियां। मुंबई में 10 से 19 सितंबर तक धारा 144 लागू, गणेश चतुर्थी को देखते हुए मुंबई पुलिस का आदेश। गणेश उत्सव को लेकर BMC अलर्ट, मेयर किशोरी पेडनेकर ने किया गणेश विसर्जन साइट का निरीक्षण। निरीक्षण के बाद मेयर बोली, ऑनलाइन गणपति दर्शन के लिए हर एक मंदिर की खुद की वेबसाइट होगी।
मुंबई पुलिस ने जारी किया आदेश, गणेश चतुर्थी पर पंडाल में नहीं होंगे दर्शन, ऑनलाइन दर्शन की ही व्यवस्था होगी। गणेश उत्सव पर सीएम योगी का टीम 9 को निर्देश, सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित ना हो गणपति, सिर्फ मंदिरों और घरों में ही बैठाए जाएं। नोएडा के लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में गार्ड्स की गुंडई के मामले में एक्शन, सुपरवाइजर समेत 8 गार्ड अरेस्ट। जौनपुर में मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश कल्लू पंडित ढेर, लूट डकैती के मामलों में था वॉन्टेड। चित्रकूट में अपराधियों की धरपकड़ के लिए जंगलों में कॉम्बिंग, अलग अलग टीमें बनाकर तलाशी अभियान। आगरा में आगरा कानपुर हाईवे पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। संभल पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया, संभल में टॉप 10 में पहले नंबर पर था बदमाश का नाम। बुलंदशहर में इंटरस्टेट चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों से चोरी की 6 बाइकें और 1 स्कूटी बरामद। कानपुर में पेट्रोल के पैसे मांगने पर पंप कर्मी को पीटा, दबंग साथियों के साथ पिटाई का आरोप। कानपुर में महिला के साथ चेन स्नैचिंग, बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूटी। आगरा के नाबालिग के साथ भोपाल में रेप, बीजेपी नेता समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में भी डेंगू का कहर, 33 मामले सामने आए। वायरल बुखार को लेकर यूपी सरकार अलर्ट, 10 दिन के लिए शुरू किया डोर टू डोर सर्वे। फिरोजाबाद में 1 महीने में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यूपी में रहस्यमयी बुखार को लेकर मायावती का योगी सरकार पर निशाना, कहा उचित व्यवस्था का अभाव। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मायावती पर हमला, अपना घर खाली करने को कहा, सरकार बनाएगी अस्पताल। बिहार में बच्चों में बढ़ रहे बुखार के मामलों पर बोले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, ज्यादा मामले वाले जिलों को चिन्हित करके टीम भेजी। गोरखपुर में बाढ़ का कहर, कई इलाके हुए जलमग्न, सड़कों पर रहने को मजबूर लोग। जलगांव समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार बारिश से किसान परेशान, तबाह हुई किसानों की लाखों की फसल। भारी बारिश की वजह से जलगांव समेत महाराष्ट्र में लाखों की केले की खड़ी फसल तबाह हुई, बर्बाद फसल को देखकर रोते देखे किसान। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर किया, नक्सली पर था 8 लाख का इनाम। पुलवामा से हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार, गोला बारूद बरामद। बैंगलोर में निकली इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली, सैकड़ों लोग शामिल हुए। दिल्ली में 47 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की तैयारी, तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए फैसला। त्योहारों को लेकर ICMR की अपील, सिर्फ जरूरी काम से ही सफर करें। देश के कुल मामलों में 68% मामले केरल से आए, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा हम अब भी कोरोना की दूसरी लहर के बीच में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का बयान, त्योहारों से पहले बढ़ानी होगी वैक्सीनेशन की रफ्तार। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कमजोर लोगों के वैक्सीनेशन के लिए केंद्र और राज्य साथ मिलकर काम करें। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का बयान, नेजल वैक्सीन के पहले फेज का ट्रायल रिजल्ट शानदार रहा है। स्कूलों के खुलने पर बोले वीके पॉल, जरूरी नहीं है कि बच्चों का वैक्सीनेशन हो तभी स्कूल खोले जाएं। देश में 72 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में कोरोना की एक दिन में 43,000 से ज्यादा नए मामले, 338 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 26,200 नए केस, 114 मौतें। तमिलनाडु में 1,596 नए मामले, 21 जाने गए। आंध्र प्रदेश में 1,439 नए केस, 14 लोगों की मौत। यूपी में 11 नए मामले, एक भी मौत नहीं। कर्नाटक में कोरोना के 1,074 नए केस, 4 लोगों की दम तोड़ा। मुंबई के दादर मार्केट में लोगों की भारी भीड़, बिना मास्क के नजर आए लोग। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और दादर नगर हवेली ने बनाया रिकॉर्ड, 18 प्लस वाले सभी लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। जापान में टोक्यो समेत 18 शहरों में बड़ी कोरोना इमरजेंसी, सितंबर में कोरोना केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर बोझ बढ़ा। अफगानिस्तान में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन से बौखलाया तालिबान, प्रदर्शन के लिए 24 घंटे पहले परमिशन की शर्त। अमेरिका के CIA चीफ ने पाक सेना प्रमुख और ISI चीफ के साथ की बैठक, अफगानिस्तान के हालात और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा। CBDT ने वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, NPA अब इस लेवल पर आ गया है कि मैनेज किया जा सकता है। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 54, निफ्टी 15 अंक ऊपर। US डॉलर के मुकाबले 10 पैसे बढ़ा रुपया, $1 की कीमत ₹73.50। टोक्यो पैरालंपिक से लौटे खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री, कहा तपस्या, पुरुषार्थ और पराक्रम से खिलाड़ियों ने बदला नजरिया। प्रधानमंत्री ने कहा खिलाड़ियों के प्रदर्शन से युवा पीढ़ी खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होगी। दिल्ली के LG से मिले सिल्वर मेडलिस्ट रवि कुमार दहिया, शिक्षा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हुई नियुक्ति। और भारत इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट से पहले टीम इंडिया के 1 सपोर्ट स्टाफ को हुआ कोरोना, ट्रेनिंग मैच रद्द। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।